हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। झारखंड शिक्षक नियुक्ति के मामले को लेकर कोर्ट ने जारी किया है नया फैसला, जिसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया है कि झारखंड हाई कोर्ट की सुनवाई यानी कि झारखंड शिक्षक नियुक्ति को लेकर इसमें कुछ नई अपडेट आई है सामने, जिसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और डू सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, झारखंड शिक्षक नियुक्ति को लेके आया है फैसला, जिसमें कि शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट की कॉपी मिलने के बाद सुनवाई हाई कोर्ट। यानी कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल की गई कई याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार के जस्टिस अनुभा रावत चौधरी के कोर्ट में शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें बताया गया कि 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है। मीना कुमारी व अन्य की ओर से दर्जन याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमारी के मामले में कहा था कि नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिससे नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसको लेके जो है कोर्ट ने आदेश जारी किया है और इसके बारे में जल्द ही नई अपडेट आने को है। और जैसे ही अपडेट आती है, मैं आपको निकिता एजुकेशन इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी न्यूज़, क्योंकि झारखंड टीचर की ऑल अपडेट मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कराती हूं। और जैसे ही इसकी जो नई अपडेट आती है कोर्ट की सुनवाई के बाद, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करा दूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, पहली बार चैनल पर विजिट करें और डू सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे निकिता एजुकेशन सर्च करके ज्वाइन कर लेना, बिकॉज कोई भी ऑफिशियल अपडेट मैं आपको उसी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराती हूँ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक साथ मिलते हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।